पटना हाई कोर्ट ने सदर प्रखंड लखीसराय की प्रमुख लीला देवी और उप प्रमुख टुनटुन राम को कानूनी रूप से संरक्षण दिया है। 15 सदस्यीय लखीसराय पंचायत समिति में से 11 सदस्यों ने प्रमुख एवं उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास लाया था। इस बैठक में प्रमुख लीला देवी एवं उप प्रमुख ने हिस्सा नहीं लिया। बीते 29 जनवरी को प्रमुख लीला देवी ने पटना हाईकोर्ट पर याचिका दर्ज कर कहा कि उनके विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव असंवैधानिक और गैरकानूनी है, लेकिन 5 फरवरी को लखीसराय प्रखंड कार्यालय में बीडीओ ने अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुला ली। बैठक में प्रमुख एवं उप प्रमुख सहित 6 सदस्य अनुपस्थित रहे, बाकी 9 सदस्यों ने उपस्थिति दर्ज कर अविश्वास मत पारित करने का दावा किया। वहीं पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश पूर्णेंदु सिंह ने 6 फरवरी को सुनवाई में फैसला सुनाया। हमको कहना वही है जो आरोप लगाए हैं सदस्य हमारे सभी कि हमको योजना विकास के लिए नहीं मिला, तो हम यही चाहते हैं, कोर्ट का भी आदेश है कि भाई मिला कि नहीं मिला अपने हैप्पी रिपीट में दीजिए। और हम अपने तरफ से कहना चाहते सभी सदस्य को, हम अपने से ज्यादा काम सबको दिलवाए, वो अपना हैप्पी डेपिट देंगे उसमें आप देखिएगा। जो भी वो आरोप लगाया सारा आरोप गलत है और हम न्यायालय का इसलिए दरवाजा खटखटाए हैं और हमको न्याय मिलेगा। क्या नाम हुआ? टंटन कुमार। चलिए, आपका क्या कहना चाहेंगे? मैं ये जितने भी आरोप लगाए वो कैसा रहा और इनकी कार्यशैली कैसी रही, ये वर्तमान माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा डीएम साहब को प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट मांगा गया कि ऑडिट रिपोर्ट इतना वर्षों पूर्व आप जो है यहाँ जमा करें और उसके अनुसार यदि मैं सत्य पाया तो हमारे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव ये निरस्त हो जाएगी, और यदि नहीं पाया तो हम मान हानि की मुकदमा इन पर करेंगे। इसलिए कि ये माननीय उच्च न्यायालय का ही आदेश है कि यदि हमारी इच्छा होगी तो मैं मानहानि का मुकदमा कर सकता हूँ। दरअसल आपने कहा कि कई मुद्दों पर